सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमेट्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। अट्ठाईस दिसंबर 2017 गुरुवार के दिन छह राशियों को होगा बड़ा फायदा। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोमेट्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों 28 दिसंबर 2017 गुरुवार के दिन पोष मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है और अश्विनी नक्षत्र है और जो ग्रहों का संयोग बन रहा है उसके हिसाब से छह राशियों वालों को बड़ा फायदा होने का योग बन रहा है। तो ग्रहों की स्थिति सबसे पहले हम आपको बता दें, उसके बाद हम आपको छह राशि कौन कौन सी होगी वो भी बताएंगे और 12 राशियों का दैनिक राशिफल भी बताएंगे। तो आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा पूरा जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और यदि आपके कोई सुझाव या आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मित्रों ग्रहों की स्थिति की यदि बात करें तो सूर्य देवता होंगे धनु राशि में, वही चंद्रमा होंगे मेष राशि में, वही मंगल होंगे तुला राशि में, बुध होंगे वृश्चिक राशि में, देवगुरु बृहस्पति होंगे तुला राशि में, वहीं शुक्र होंगे धनु राशि में और शनि भी होंगे धनु राशि में, राहु होंगे कर्क राशि में और केतु होंगे मकर राशि में। तो ये जो नव ग्रहों की स्थिति अलग अलग राशियों में बन रही है उसके हिसाब से उसके अनुसार 12 राशियों में से 6 राशि वालों को बड़ा फायदा होने वाला है। इनको प्रत्येक कार्य में लाभ मिलेगा और जो भी काम ये करने जा रहे हैं उसमें इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी मिलने वाली है। तो ये छह राशि कौन कौन सी है, सबसे पहली राशि होगी सिंह राशि, दूसरी होगी तुला राशि और तीसरी होगी वृश्चिक राशि और चौथी होगी धनु राशि और पांचवी होगी कुंभ राशि और छठी और अंतिम होगी मीन राशि। इन छह राशि वालों को बड़ा फायदा होने का योग बन रहा है, अर्थात प्रत्येक कार्यों में इनको अनुकूल लाभ मिलने का योग बन रहा है। ये जो भी काम शुरू करेंगे उसमें अचानक लाभ का संयोग इनके लिए निर्मित हो रहा है। तो मित्रों हम आपको बताने जा रहे हैं कि 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। अपनी सक्रियता को योजना के स्तर तक ही सीमित रखने की कोशिश करें। उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा और पार्टनर पर अपनी बात मानने के लिए दबाव न डालें। दूसरों के प्रति सहयोग की भावना से आपको सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप या रिश्तों को लेकर आपके मन में किसी तरह की चिंता है तो उसका समाधान हो सकेगा। परिवार के सदस्यों के साथ सकारात्मक और नई पहल करने का भी आपको मौका मिल सकता है। खर्चों और संबंधों को लेकर के मन में दबाव हो सकता है। जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई भी काम न करें और जो भी काम करना है सोच समझ करके अवश्य करें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कोई नई योजना आपके मन में चल रही है तो उसके लिए थोड़ा बहुत बदलाव करने की आवश्यकता आपको होगी। आपसे जो कुछ कहा जाए उसे ध्यान से सुने, जो सूचना मिले उसका लेखा जोखा रखें। आपको बिल्कुल शांति और संयम से अपनी बात समझानी होगी। नए लोगों से मुलाकात होगी, पुराना काम जो फैला रखा है उसे निपटा ले। खर्चा बढ़ सकता है, नई परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य से समझौता न करें। यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, सोचे हुए काम निपटाने में कुछ परेशानियां होगी। बिजनेस से कुछ का दबाव आपके ऊपर हो सकता है और यदि आपका कोई पार्टनर है तो उसके कारण आप थोड़े तनाव में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आप जो भी करना चाहेंगे उसमें कुछ लोग मददगार साबित होंगे। आपके लिए दिन शुभ रहेगा, रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, नया धन लाभ होगा, कोई पुरानी समस्या सुलझाने की भी संभावना है, दोस्तों के साथ संबंध अच्छे होंगे और आपको फायदा होने का एक अच्छा और बड़ा संयोग बन रहा है। अधिकारियों के सामने आपकी अच्छी इमेज बनेगी और आपको कार्यक्षेत्र में अनुकूल फल की प्राप्ति होने का उत्तम संयोग निर्मित हो रहा है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की।
धैर्य से काम करे और समय का ध्यान रखे। घर परिवार के कुछ मामले पूरी तरह अचानक सामने आ सकते हैं। आपके दिमाग में एक समय में बहुत सी बातें या बहुत से प्लान रहेंगे। कोई हावी होने की कोशिश करे तो शांत रहें, मामला निपट जाएगा। आप ज्यादा भावुक हो सकते हैं, आप इससे खुद परेशान हो सकते हैं। जल्दबाजी के कारण आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करने से आप बचें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। पैसा निवेश करने के लिए कोई शानदार योजना आपके सामने आ सकती है। दिन में कई बार दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे। कुछ सौदे आपके फेवर में होंगे। दिन भर आप काफी व्यस्त रहेंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति के बारे में अचानक कोई खबर मिल सकती है। आप कार्य क्षेत्र में जरूरी सुधार करने के बारे में विचार कर ले। आपके ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी धंधा कार्य क्षेत्र आपका अच्छा चलेगा। कोई अच्छी और लाभप्रद खबर आपको आज मिल सकती है। आपके लिए धन लाभ का उत्तम योग बना हुआ है। इस दिन का लाभ आपको लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। पैसों के मामलों में समझदारी वाला फैसला आप कर सकते हैं। पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे। मौज मस्ती का विचार बन सकता है। पार्टनर के साथ रहे। कुछ भी नया करने से पहले पार्टनर की सलाह जरूर ले। पुराने अधूरे काम निपटाने के योग है। कुछ लोगों से सहयोग मिलेगा। आप व्यस्त रहेंगे, इसका फायदा भी आपको मिल सकता है। कामकाज में कुछ लोग आपके साथ नया नया आइडिया शेयर कर सकते हैं। आप खर्चों से बचे और अनावश्यक खर्च करने की जो भी व्यवस्था है उसको थोड़ा सा पाबंद करने की यदि कोशिश करेंगे तो आप खर्चों से बच सकेंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएंगे। पैसों के क्षेत्र में नए और अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। कुछ मामलों में नई शुरुआत करने जैसी स्थिति बन सकती है। कई फैसले आप करने वाले हैं, उसमें सफलता मिलेगी। धन लाभ का उत्तम योग बन रहा है और प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। और यदि कोई रिश्तों का प्रस्ताव आपका आने वाला है तो उसमें भी सफलता का उत्तम योग बन रहा है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आप अपनी उम्मीदों पर भरोसा रखें। बिजनेस, पैसों और कानून से जुड़े मामलों में अच्छी पहल और सौदे कर सकते हैं। नए दोस्त मिलेंगे जिनसे आप काफी कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। आज आप अपना पुराना काम जल्दी से निपटाकर नए काम की नई दिशा पर ध्यान देंगे। गुप्त रूप से आप बहुत सक्रिय और सफल रहेंगे। आत्मविश्वास से जो भी काम करेंगे उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। परिवार का साथ आपको मिलेगा। भाई बंधु आपके कार्य क्षेत्र में आपको सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज जो भी करना चाहते हैं उसे दिमाग में रखें। मौके की तलाश करते रहें। समय को भुनाने के लिए तैयार रहें। आपकी योजनाएं पूरी हो सकती है। दिमाग भी तेज चलेगा। लोगों से बातचीत या लेखन के कामों में आप सफल रहेंगे। सफलता और पद की इच्छा रहेगी। आपके सामाजिक जीवन में सुधार शुरू हो जाएगा। आपकी कोशिश होगी कि अपने दायरे में अपनी छाप छोड़ी जाए। समय समय पर अपने आप को संभालते रहे। आज आपके सोचे हुए कुछ काम पूरे होंगे। लंबे समय से चल रही रुकावटें आपकी खत्म होने वाली है। अच्छे काम यदि आप करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। उदासी और सुस्ती के दौर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और आप सफल अवश्य ही होंगे। नए दोस्त बनाने का मौका आपको मिल सकता है। आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। आपकी अपेक्षाएं जल्द ही पूरी होने वाली है। किसी भी समस्या पर घबराए नहीं। ज्यादा परेशानी हो तो किसी बड़ों से सलाह जरूर ले। शांति से विचार करके कोई बड़ा फैसला ले। सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। सोचे हुए काम पूरे करवाने में लोगों की मदद आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। बड़ी और नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। उच्चाधिकारी आपको पसंद करने लगेंगे। मेहनत व सफलता के दम पर दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। सामाजिक तौर पर कुछ ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है जो आपके कैरियर में मददगार साबित होंगे। आज आप थोड़ा शांति रखें। आपका समय अच्छा फल देने वाला रहेगा। बहुत से काम आपके पूरे हो सकते हैं। कोई बड़ी खबर आपको मिल सकती है। आपको कोई
कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। आपके काम बढ़ेंगे, इनकम आपकी बढ़ने वाली है। कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें भी आपकी खत्म होने वाली है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। ज्यादातर काम अपने आप पूरे होते जाएंगे और योजना बना करके काम करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। आप प्रसन्न रहेंगे, जिस महत्वपूर्ण मौके का आप इंतजार कर रहे हैं वो आपको मिल सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार के कुछ अवसर मिल सकते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। भावनात्मक तौर पर आप लगभग पूरी तरह संतुलित रहेंगे। नई बातें आपके सामने आ सकती है, समस्याओं का समाधान भी आज आपको मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की पूरी संभावना है। धन लाभ के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। तो मित्रों, हमने 12 राशि का यह दैनिक राशिफल आपको बताया है। इस राशिफल के वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।